मिस रास्ते फंस गए, बहुत बारिश हो रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में मैं, अगर आप वेस्ट सिक्किम एंड साउथ सिक्किम जाते हो घूमने के लिए, तो जो पांच प्लेस आपको मिस नहीं करना चाहिए वो पांच प्लेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और जाते हुए जो नेचुरल व्यू मिलेगा उसके बारे में मैं यहाँ पे बताऊंगा। इस वीडियो को आप पूरा देखना। अगर फ्यूचर में आप वेस्ट सिक्किम एंड साउथ सिक्किम टूर प्लान कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। मेरा जो ट्रिप है वो स्टार्ट हुआ था सिलीगुड़ी से, और सिलीगुड़ी से मैं गया था वेस्ट सिक्किम का एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है गेजिंग, और सिलीगुड़ी से गेजिंग का जो डिस्टेंस है ये 117 किलोमीटर। वेस्ट सिक्किम एंड साउथ सिक्किम जाने के लिए मानली चेक पोस्ट क्रॉस करके जाना पड़ेगा। मानली में एक चेक पोस्ट है, वहाँ पे आपका पेपर चेक करता है। अगर आप बाइक लेके जाते हो तो आपका पेपर चेक होगा, और अगर बाइक कार भी जाते हो तो भी ये वहाँ पे पेपर चेक करके आपको सिक्किम में एंट्री करने देगा। जाते हुए रास्ते पे कुछ ऐसा ऐसा प्लेस मिलेगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, जैसे ये ब्रिज। इस ब्रिज के उस पर रास्ता डिवाइड हो जाता है, एक रास्ता चला जाता है सिक्किम के लिए और एक रास्ता चला जाता है अगर आप दार्जिलिंग जाना चाहते हो, यहाँ से भी आप दार्जिलिंग जा सकते हो। इस प्लेस का नाम है जोरथांग, ये प्लेस आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस ब्रिज से कुछ किलोमीटर जाने के बाद आपको मिलेगा एक अंडर हिल टनल जो आपको क्रॉस करने में बहुत अच्छा लगेगा, एक एडवेंचर जैसा फील होगा यहाँ पे। टनल क्रॉस करके कुछ किलोमीटर बाद आपको मिल जाएगा एक टेंपल जो जिसके चार पास से एक रिवर फ्लो हो रहा है, वो भी बहुत अच्छा एक प्लेस है, आपको अच्छा लगेगा। सिक्किम से गेजिंग तक जाते हुए ये कुछ प्लेस जो आपको अच्छा लगेगा, और उसके बाद मैं गेजिंग में जब गया हुआ पे एक होटल में स्टे किया था जिसका मुझे प्राइस लिया था पर नाइट पर पर्सन 800 रुपीज। यहाँ पर नाइट स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे मैं निकल गया जो साइट सीन है वेस्ट सिक्किम का, वो साइट सीन करने के लिए। गेजिंग से ऑलमोस्ट 31 किलोमीटर डिस्टेंस में है खिचरोपोली लेक, जो वेस्ट सिक्किम में बहुत होली लेक मानते हैं। तो ये जो लेक है ये जो पैर का थाम जैसा है, अगर आप हिल पे उठ के ये लेक को देखते हो तो ये हिल आपको पैर के थाम के जैसा लगता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मानते हैं कि यहाँ पे जो मन्नत करते हैं ये फुलफिल होते हैं, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हो। गेजिंग से खिचरोपोली लेक जाते हुए मुझे ये वाटरफॉल मिला, और ये जो वाटरफॉल है इसका नाम है रिम्बी वाटरफॉल। खेचरपुरी लेक में वहाँ पे एक मॉन्स्ट्री भी है, तो वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं निकल गया कांचनजंगा वाटरफॉल के लिए जो खेचरपुरी लेक से जस्ट 12 किलोमीटर डिस्टेंस में है। अगर आप वेस्ट सिक्किम जाते हो तो कांचनजंगा वाटरफॉल जरूर जाना, बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे जाके आने का मन नहीं करता है, इतना अच्छा लगता है वहाँ पर, और वहाँ का जो एटमोसफेयर है बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे फोटो वीडियो का कुछ क्लिप लेके मैं निकल गया पेलिंग के लिए, जो एक वेस्ट सिक्किम का बहुत ब्यूटीफुल एक प्लेस है। कांचनजंगा वाटरफॉल से पेलिंग का जो डिस्टेंस है ये है 26 किलोमीटर। पेलिंग में एंट्री करने के लिए आपको 80 रुपीज़ का टिकट काटना पड़ेगा, और पेलिंग में एक ग्लास का ब्रिज है जिसके ऊपर आप हट सकते हो, वॉक कर सकते हो। तो ये जो ब्रिज है ये पेलिंग का एक एडवेंचरस जैसा फील करते हैं। और जो ग्लास ब्रिज है उसके पास एक टेम्पल भी है जो बुद्धिस्ट टेम्पल है, बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल है। आप वहाँ पर अगर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्लेस कैसा है। एक्चुअली बहुत ही फेमस है पेलिंग, आप गूगल में सर्च कर सकते हो या आप सुन सकते हो। सिक्किम वेस्ट सिक्किम में एक फेमस प्लेस है जिसका नाम है पेलिंग, तो आप वेस्ट सिक्किम में अगर जाते हो तो पेलिंग में जरूर जाना। पेलिंग घूमने के बाद मैं गेजिंग में और एक नाइट स्टे किया, उसके बाद नेक्स्ट डे मैं गया था जो साउथ सिक्किम का एक फेमस प्लेस है रावांगला बुद्ध पार्क, वो भी एक फेमस प्लेस है, बहुत ब्यूटीफुल पार्क है। एक्चुअली साउथ सिक्किम वेस्ट सिक्किम का जो प्लेस है वहाँ पे बहुत सारा बुद्धिस्ट टेम्पल है, लेकिन दो जो प्लेस है, एक है पेलिंग जो वेस्ट सिक्किम का और साउथ सिक्किम का रावांगला, दोनों ही बहुत ही फेमस है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। रावांगला बहुत ब्यूटीफुल एक
प्लेस है, पार्क है, यहाँ पे आप फैमिली को लेके, फ्रेंड के साथ, आप कपल हो तो कपल मिल के वहाँ पे जाना। गेजिंग से रावांगला का जो डिस्टेंस है ये है 36 किलोमीटर। और बुद्ध पार्क में एंट्री करने के लिए यहाँ पे जो एंट्री फी है वो आपको 80 रुपीज देना पड़ेगा पर है। बुद्ध पार्क में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं निकल गया नामची के लिए, जो साउथ सिक्किम का एक टाउन है। और नामची जिस रास्ते पे जाता है वहाँ पे मुझे मिला एक रॉक गार्डन, तो रॉक गार्डन पे भी मैंने विजिट किया, लेकिन वहाँ पे अभी तो बंद है रॉक गार्डन। और वहाँ पे रॉक गार्डन के ऊपर से एक रोपवे भी है जो बंद है फिलहाल, पता नहीं ये कब खुलेगा, लेकिन जब खुलेगा ये बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप रोपवे का मस्ती ले सकते हो वहाँ से। फिलहाल रॉक गार्डन पूरा जंगल से भरा हुआ है और मैं यहाँ पे सिर्फ अकेले था क्योंकि यहाँ पे कोई पार्सन भी नहीं था क्योंकि ये बंद है, कोई गेटमैन भी नहीं था। तो यहाँ से मैं ज़्यादा नीचे नहीं उतरा, उसके बाद मैं निकल गया नामची के लिए। नामची में एक फेमस शिव टेम्पल है जिसका नाम है चारधाम, तो ये नामची का बहुत ही फेमस है, यहाँ पे आप जरूर आना। रावांगला से नामची का जो डिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट 32 किलोमीटर, और ये 32 किलोमीटर कवर करने में ऑलमोस्ट 1 आवर 30 मिनट आपको टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप आसपास किसी प्लेस में रुकते हो या किसी प्लेस में आप टाइम स्पेंड करते हो, क्योंकि आसपास जो रावांगला से नामची का जो रास्ते है यहाँ पे आपको जैसे रॉक गार्डन मिलेगा, एक मॉन्स्ट्री है जिसका नाम है रामचंद्र मॉन्स्ट्री, वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हो। तो ये सब प्लेस अगर आप विजिट करते हो तो और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। और एक्चुअली मेरा जो ट्रिप था वो था 2 नाइट एंड 3 डे का, जो मैं पूरा वेस्ट सिक्किम एंड साउथ सिक्किम कवर किया, लेकिन और भी कुछ प्लेस है वेस्ट सिक्किम का, साउथ सिक्किम का, जो मैं कवर कर नहीं पाया। जैसे वेस्ट सिक्किम का एक प्लेस है, मैं सुना नाम बरसे, एक छोटा सा विलेज है, तो वो जो विलेज है उस विलेज में क्या होता है कि कुछ ट्री है जो फरवरी मंथ अप्रैल में वो ट्री जो है पूरा फ्लावर से गिर जाते हैं, और इसी कारण से वो जो विलेज है बहुत ही फेमस है और ये जो विलेज है देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस कारण से मैं वहाँ पे अभी नहीं गया, लेकिन फरवरी या मार्च या अप्रैल में मैं वो जो विलेज है बर से वहाँ पे मैं जाऊँगा। मेरा जो 2 नाइट एंड 3 डे का जो ट्रिप था उस ट्रिप में मैं 425 किलोमीटर कवर किया था, ऑलमोस्ट 4500 जैसा खर्चा हुआ, लेकिन मैं उतना काउंट नहीं किया, लेकिन नॉर्मली जैसे 2000 रुपीज़ का पेट्रोल और होम स्टे प्लस अदर्स जो मैं स्पेंड किया तो ऑलमोस्ट ऐसे 4500 जैसा। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा, और कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो आप भी वो भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। और नेक्स्ट मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे वेल।